इनिशियलीटेड बी पार्टिकल भी एट द पोजिशन पी ठीक है एंड आफ्टर टाइम डेल्टी जो पोजिशन होगी particle पार्टिकल की वो क्या हो गई क्यों हो गई इफ क्यूज क्लोज टू पी तो हमारे पास ये जो सेक्टोरियल एरिया है किसके एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वन बाय टू ए बी साइन थीटा जहां पर ए बी क्या होता है दिस टू साइड और थीटा बी द एंगल बिटवीन दैट टू

पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंड फिक्स्ड पॉइंट से आप क्या करोगे परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन दैट टेंजेंट ठीक है नाउ लेट अस स्टार्ट प्रूफ टेक द सेंटर ऑफ फोर्स एज द पोल एंड ओ एक्स एज द इनिशियल लाइन लेट द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व ए पी क्यू एंड लेट इट डिस्क्राइब द आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एज इन टाइम डेल्टा टी इनिशियली पोजीशन हमने पार्टिकल की कंसिडर करी आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो पोजीशन क्या हो गई क्यू हो गई तो ये जो आर्क बनी ये क्या ले ली आर्क लेंथ पी क्यू क्या हो गई डेल्टा एस लेट पी आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी एंड आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद द पोजिशन एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी तो ओ क्या हो गया आर ओ क्यू क्या हो गया आर प्लस डेल्टा आर एंड ये एंगल पूरा कितना था थीटा प्लस डेल्टा थीटा और ये वाला एंगल थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ थीटा एंगल पी ओ क्यों क्या हो गया डेल्टा ऑफ थीटांगल क्या होगा वन बाय टू थीटा तो ओ पी ओ क्यों साइन डेल्टा थीटा तो क्या आ जाएगा वन बाय टू आर आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा वेन क्या इज वेरी क्लोज टू पी the sector POQ is nearly equals to the triangle PO क्यों तो इसका मतलब द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या होगी लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो सेक्टोरियल एरिया ओ पी क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्योंकि अब हमारे पास क्यो इज वेरी क्लोज टू पी तो क्या हो गया जो सेक्टोर सेक्टर है ये किसके इक्वल हो गया टू द एरिया ऑफ ट्राएंगल पी ओ क्यू और एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ओ क्यू क्या है दिस वो यहाँ सब्सिट्यूट करोगे दैट इज यू हैव लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो वन बाय टू मल्टीप्लाइड आर आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड del delta डेल्टी ठीक है नाउ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम क्या कर सकते हैं वी कैन राइट साइन डेल्टा थीटा एज डेल्टा ऑफ थीटा इज इट राइट तो अब हमारे पास क्या आ गया लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो टू जीरो आर स्क्वायर डेल्ट थीटा बाई डी डेल्टी प्लस आर डेल्टा आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टी ठीक है स्टूडेंट बिकॉज डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल तो इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाय टू आर स्क्वायर डेल्ट थीटा बाय डी टी लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू तो जीरो वी हैव लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो वन बाय टू आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डी टी तो ये क्या बन गया डी थीटा बाय डी टी दैट इज वी हैव वन बाय टू आर स्क्वायेर डी थीटा बाय डी टी और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है एच के बाय द आर्टिकल नाइन पॉइंट थ्री जो हमने डिस्कस करा था दैट ऑन इंटीग्रेटिंग आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी एच आ जाता है कॉन्स्टेंट और उस कॉन्स्टेंट को हमने क्या नेम दिया था एच तो वो यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करा है दैट इज इट इज इक्वलच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोर सेक्टोरियल एरिया इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू एच बाय टू ठीक है तो अब हमारे पास ये तो प्रूव हो गया कि एरियल एरियल वेलॉसिटी इज कॉन्स्टेंट अब हमें क्या प्रूव करना है दैट लीनियर वेलॉसिटी वेरीज इन्वर्सली एज पर पेंडिक्युलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंशन टू द ठीक है दैट इज वी आर टू प्रूव दैट वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय तो सबसे पहले आप टेंज ड्रॉ करोगे ठीक है तो वही करा नाउ फ्रॉम ओ ड्रो ओ एम पर पेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी तो वही करा हमने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दैट इज ओ एम टू द टेंजेंट एट पी और इसको क्या डिनोट कर दिया बाय स्मॉल पी ठीक है दे एफोर ओ एम इज इक्वल्स टू पी नाउ द सेक्टोरियल एरिया पी ओ क्यो हम लिख सकते हैं हाफ बेस इन टू हाइट तो बेस क्या हो गया बेसिकली इस ट्रैंगल का ये है ना हमारे पास ट्रैंगल बेस एस पी क्या हाइट क्या हो जाएगी ओ दैट इज वी राइट लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो बेस दैट इज आर पी क्या हुई दैट इज डेल्टा ऑफ एस और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू पी क्यो दैट इज पी तो एरियल वेलोसिटी अबाउट द पॉइंट क्या हो जाएगा बाय डेल्टी कर देंगे दैट इज लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरोल एस बाय डी टी डेल्टी दैट इज इट इज इक्वल्स टू वन बाय टू पी लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी दैट इज ये किसके इक्वल हुआ डी एस बाय डी टी एंड नो दैट डी एस बाई डी टी इज पी वी सॉरी वी दैट इज वेलासिटी जिसको हम कहते हैं लीनियर वेलॉसिटी एट द पॉइंट पी तो वो यह मैंशन है वेयर वी इज द लीनियर वेलॉसिटी एट द पॉइंट पी यहाँ से एडियल वेलोसिटी अबाउट द पॉइंट ओ आई और एक एडियल वेलोसिटी हमारे पास ये आई है दैट इज फ्रॉम वन एंड टू वी हैव वन बाई टू एच इज इक्वल टू वन बाई टू पी वी दैट इज वी की वैल्यू क्या आ गई एच बाई पी दैट इज जो लीनियर वेलोसिटी है वो वेरीज कर रही है इनवर्सली एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्राम द फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ हैट पी यही हमें प्रूफ करना था दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द आर्टिकल एरियल वेलोसिटी नाउ इट्स फर्स्ट क्रॉलरी इज टू फाइंड वेलोसिटी वैन पाथ इज नो वी हैव पी वी इज इक्वल टू एच तो वी क्या हो गया एच बाय पी पैडल फॉर्म है तो हमने क्या करा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करा वी वी स्क्वायेयर इज इक्वल टू एच स्क्र बाय पी स्क्र एंड वी नो दैट पैडल फॉर्म में वन बाय पी स्क्वायेर की वैल्यू क्या होती है वन बाय आर स्क्वायर प्लस वन बाय आर की पार फोर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर तो वो वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करी दैट इज़ वी हैव दिस ठीक है स्टूडेंट और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल होता है पेडल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज एच स्क्वायर बाय पी क्यूब डीपी बाय डी आर इज इक्वल्स टू एफ ठीक है तो इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग वी हैव माइनस वन बाय टू एच इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी आर प्लस ऑफ सी दैट इज हमारे पास वी की वैल्यू क्या होती है एच बाय पी तो यहाँ क्या आ जाएगा वी स्क्वायर दैट इज वी स्क्र बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रियल एफ डी आर प्लस सी विच गिवेलॉसिटी वेन द फोर्स इज ना ठीक है स्टूडेंट्स विद दिस द आर्टिकल नाइन पॉइंट फोर इज कम्प्लीटेड नाउ वी विल डिस् सम द पैडल फॉर्म्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन रेफर टू फोकस एज पोल ये हमारे पास आगे आर्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे द वेरी फर्स्ट इज फॉर पैराबोला पैराबोला की जो पैदल फॉर्म है वो है दैट इज टू पी स्क्र इज इक्वल्स टू एल आर वेयर एल बीन द सेमी लेटस्ट ट्रैक्टर एलिप्स की बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय आर माइनस वन वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ऑफ ई स्क्वायर जहाँ पर जो असेंट्रिसिटी है एलिप्स में क्या होती है लेस देन ऑफ वन हाइपरबोला में यहाँ प्लस हो जाएगा और असेंट्रिसिटी क्या होती है ग्रेटर देन वन ठीक है नेक्स्ट कम्स द पेडल इक्वेशन फॉर द एलिप्स विद पोल एट द सेंटर ऑफ द फॉर्म विच इज ए स्क्वायेयर बी स्क्येयर बाय पी स्क्र इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस ऑफ आर स्क्वायेयर एंड नेक्स्ट कम्स द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू फोकस एज पोल इज एल बाई आर इज इक्वल्स टू वन प्लस ई कॉस्थीटा वेयर इज पॉजिटिव इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक ये हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे और जो हाइपर बोला की ये इक्वेशन है इट इज नियर द ब्रांच एंड फॉर फार ब्रांच हमारे पास क्या होती है इट इज बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर वन माइनस टू ए बाय आर वेयर टू एंड टू बी द लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एंड कॉन्जुकेट एक्सेस रिस्पेक्टिवलीज इट राइट स्टूडेंट नाउ कम्स द आर्टिकल नाइन पॉइंट फाइव डाटाज ऑर्बिट इस आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे दिस पॉलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू फोकस एज पोल दैट इज एल बाईर प्लस ई कॉस थीटा एलिप्टिक ऑर्बिट है तो हमें पता है एलिप्टिक ऑर्बिट में हमारी हमारीट्रिसिटी क्या होती है लेस देन वन ठीक है नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स आर्टिकल अ पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स अंडर अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स फोकस वी आर टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एंड द प्रियोडिक टाइम Let us start its first part. The equation of ellipse with focus as pole is l by r is equals to one plus e cos theta, where e is the eccentricity of the ellipse and it is less than of one. l is the semi-latus rectum. स्टार्ट कैसे करेंगे वी विल पुट यू इज इक्वल्स टू वन बाय आर एंड वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज डी स्क्वायेर यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एच स्क्वायेर यू स्क्र दैट इज़ आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तभी हमारे पास कैपिटल एफ दैट इज़ लॉ ऑफ फोर्स का वैल्यू आएगी ठीक है लेट इस स्टार्ट यू इज इक्वल्स टू वन बाय आर तो वी हैव यू इज इक्वल्स टू वन प्लस ई कॉस थीटा बाय एल क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा यू एल इज इक्वस टू वन प्लस ई कॉस्ट थीटा जब हमने वन बाय आर को यू पुट करा दैट इज यू की वैल्यू क्या आ गई वन प्लस ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो कॉस् थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा दैट इज वी हैव माइनस ई साइन थीटा बाय एल फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा तो माइनस ई कॉस थीटा बाय एल नाउ वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिटर्स डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर यू एफ इज द सेंट्रल एसरेशन अब आप क्या करोगे यू विल सब्सिट्यू द वैल्यूज ऑफ

इस वाली टर्म को हमने लैमडा कंसिडर कर दिया वी हैव लैमडा यू स्क्वायर एंड वी नो दैट यू इज इक्वल्स टू वन बाय आर दैट इज वी कैन राइट इट इज इक्वल्स टू लैमडा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दैट इज हमारे पास क्या आ गया एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस ऑल्सो द फोर्स इज एट्रेक्टिव एज द वैल्यू ऑफ एफ इज पॉजिटिव ठीक है नेक्स्ट यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी नाउ वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय हमें हमने अभी आर्टिकल करा है एरियल वेलोसिटी का तो वहाँ से वेलोसिटी कैसे दी जाती है इट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी टीटे का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर तो यही यूज़ करेंगे द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटे का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डी यू बाई डी theta की वैल्यू क्या है माइनस ई साइन थीटा बाय एल यू की वैल्यू वन प्लस ई कॉस थीटा एल तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर और बाहर क्या है एच स्क्वायर ठीक है एच स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है इट इज इक्वल्स टू लमडा एल तो इन दोनों को कम्बाइन करोगे तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा इज वन तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर दिस इज वन एंड यहाँ क्या आ जाएगा टू वी कॉस थीटा अब आपको पता है कि इलिप्टिक ऑर्बिट में सेंट्रिसिटी क्या होती है लेस देन वन तो इस टर्म में आपने क्या करा प्लस वन करा और माइनस वन करा ठीक है यू नो दैट सेंट्रिसिटी इज लेस देन वन तो आप क्या करोगे यहाँ पर वन माइनस ई स्क्वायर बाय एल कर देंगे और आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे इज इट राइट स्टूडेंट ये वैल्यू क्या है हमारे पास बेसिकली इट इज ऑफ यू और यहाँ क्या आ गया हमारे पास इट इज इक्वल्स टू लैमडा टू ब्रैकेट स्टार्ट टू यू माइनस वन माइनस ई स्क्वेयर बाय एल जस्ट यहाँ पर इन्होंने एच स्क्वेयर की वैल्यू भी पुट करी है दैट इज लैमडा एल तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया ब्रैकेट के बाहर लैमडा बाय एल और उसके बाद हमने एल को अंदर ले गए सो so दैट हमारे पास ये यू की वैल्यू बन जाए और सेकेंड टर्म में डिवाइड बाय एल है नाउ लेटेस्ट रेक्टम फॉर इलिप्टिक क्या होता है हमारे पास एल इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एंड वन माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वो वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करी दैट इज वी हैव वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लैमडा ब्रेकिट स्टार टू बाय आर माइनस वन बाय ए वेयर ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेज ऑफ द एलिप्स इक्वेशन फोर

इन एन सेंट्रल ऑर्बिट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू एच बाय टू ये अभी हमने एरियल वेलोसिटी वाले आर्टिकल में डिस्कस करा है इफ कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग द होल ऑफ द एलिप्स देन क्या होगा कि एच बाय टू मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल कैपिटल्टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एलिप्स एंड एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू पाई ए बी तो कैपिटल टी क्या हो गया टू बाई ए बी बाय एच एच क्या है हमारे पास बेसिकली एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा एल तो एच की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ लैम्डा एल एल क्या है लिप्टिक ऑर्बिट के लिए बी स्क्वायर बाय ए वो सब्सिट्यूट करा तो हमारे पास ऑन सॉल्विंग टी की वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू टू बाय ए की पार थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ लैमडा दस द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू ए की पार थ्री बाय टू वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सेज इज द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सेज ठीक है विद दिस द आर्टिकल नाइन पॉइंट फाइव इज कंप्लीटेड नेक्स्ट कम्स हाइपरबॉलिक ऑर्बिट ये भी ऑन द सिमिलर लाइन चलेगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक ऑर्बिट को सॉल्व करा है बस इसमें क्या आएगा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट में एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है तो देयर इज नो नीड टू ऐड प्लस वन एंड माइनस वन इन द इन दिस इक्वेशन बाकी सारा सेम आएगा इसमें लेट अस सी a particle moves in a hyperbola under a central force which is always directed towards its focus to find law of force the velocity at any point of its path and the periodic time very first we will find law of force the polar equation of hyperbola referred to focus as pole is L by R is equals to 1 plus E cos theta Jahan per E kya hai eccentricity of hyperbola hai and it is greater than 1 and L kya denote semi-latus rectum फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट पता है इट इज इक्वस टू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर यू स्क्वायर तो मीन्स आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करा पुट यू इज इक्वस टू वन बाय आर यू विल हैव यू इज इक्वस टू वन प्लस ई कॉस थीटा बाय एल फिर सेम डी यू बाई डी थीटा फाइंड आउट करोगे डी स्क्र यू बाई डी थीटा का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे वो सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास एफ क्या आ जाएगा कैपिटल एफ इज इक्वस टू लैम्डा बाय आर स्क्वायर वेयर एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी लैमडा बाय एल इट इज एग्जैक्टली सेम एज द इलिप्टिक ऑर्बिट फिर हम मेंशन करेंगे दैट हेंस द एसोरेशन वेर इज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस ऑल्सो द फोर्स इज एट्रेक्टिव एज द वैल्यू ऑफ एफ इज पॉजिटिव ठीक है नेक्स्ट वी विल फाइंड द वेलोसिटी वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय बी स्क्वायर इज इक्व टू एच स्क्वायेर ब्रेकिट स्टार्ट यू स्क्र प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायेर ब्रकेट क्लोज यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ऑन सॉल्विंग आपके पास क्या आया वन प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई कॉस थीटा इलेप्टिक ऑर्बिट में हमने क्या करा था प्लस वन एड करा था और माइनस वन करा था क्यों क्योंकि हमें पता था उसमें एसेंट्रिसिटी इज लेस देन ऑफ वन इसमें हमें पता है कि असेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन और हमें कोई नीड नहीं है प्लस वन और माइनस वन करने की जस्ट आप सेग्रीगेट करेंगे स्टेप्स को वन प्लस ई स्क्वायर एक हो जाएगी टर्म और टू ई थीटा बाय एल स्क्वायेयर एक टर्म हो जाएगी एल स्क्वायेयर है और बाहर एल है एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज यू विल हैव वन प्लस ई स्क्वेयर बाय एल प्लस टू ई बाय एल ठीक है टू ई थीटा बाय एल क्या होगा हमारे पास यू माइनस वन बाय एल बिकॉज यू हमारे पास क्या होता है वन प्लस ई थीटा बाय ऑफ एल ठीक है तो यू की वैल्यू हमारे पास ये है दैट इज़ यू एल इज़ इक्व टू वन प्लस ई कास्थीटा ठीक है दैट इज़ यू एल माइनस वन इज इक्व टू ई कास्थीटा हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है टू ई e. तो टू से मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड डिवाइड बाय एल तो डिवाइड बाय एल करा दैट इज़ यू हैव टू यू माइनस वन बाय एल इज इक्वल टू टू ई कास्थीटा बाय एल वो वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करी ठीक है उसके बाद जस्ट वी नो दैट के असेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन वन है तो यहाँ पर ई स्क्र माइनस वन पॉजिटिव आएगा ठीक है ना तो दैट इज वी हैव लैमडा इज इक्वल्स टू लैमडा ब्रेक इट स्टार क्या आएगा हमारे पास यहाँ से टू यू आ जाएगा और इन टर्म से हमारे पास क्या आ जाएगा वी विल हैव ई स्क्वेयर माइनस वन बाय एल यू क्या होता है बेसिकली वन बाय आर तो क्या आ गया हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैमडा ब्रेक इट स्टार टू बाय आर प्लस ई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एल इफ टू एंड टू बी आर द लेंथ्स ऑफ ट्रांसफर्स एंड कॉन्जुकेट एक्ट एक्सेज एंड एल इज द सेमी लेटेस्ट रेक्टम तो एल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास बी स्क्र बाय ए तो जस्ट सॉल्व करा ये वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करी देट इज ई स्क्वायेर माइनस वन बाई एल की वैल्यू क्या आ गई वन बाय ए ये वैल्यू सब्सिट्यूट करी तो फ्रॉम दिस वी गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ यहाँ पर वी स्क्वायर क्या आया लेमडा टू आर टू बाय आर प्लस लैमडा बाय ए तो मतलब वी स्क्वेयर में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन टू लैमडा बाय आर एलिप्टिक ऑर्बिट में हमारे पास बी स्क्वायर वॉज लेस देन टू लैमडा बाय आर नेक्स्ट कम्स पीयोडिक टाइम सेम एज इट इज रहेगा बस यहाँ पर एरिया ऑफ हाइपर बोला दैट इज पाए बी ठीक है लेट टी बी द टाइम बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग होल ऑफ द हाइपर बोला एंड एच बाय टू इज द एरिया डिस्क्राइब इन यूनिट टाइम देन क्या होगा हमारे पास कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई एच बाई टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाइपर बोला विच इज ऑल्सो बी बाई ए बी होगा दैट इज टाइम फाइंड आउट करेंगे टाइम फाइंड आउट करेंगे तो ऑन सॉल्विंग यू विल हैव टू बाई ए की पार थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लैमडा दस द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट एवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू ए की पाथ थ्री बाय टू वेयर टू वे इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस इज इट राइट स्टूडेंट नेक्स्ट कम्स पैराबोलिक ऑर्बिट पैराबोलिक ऑर्बिट में पता आपका आपकाट्रिसिटी किसके इक्वल होगी वन होगी तो यू विल डू दिस योर सेल्फ ठीक है स्टूडेंट ऑनली दिस मच फॉर टुडे क्लास थैंक यू